कि पहले हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि जामिया के अकाबरीन ने, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क़याम के वक्त किन किन चीज़ों को एम्फेसाइज़ किया था और क्या क्या चीज़ें तय की थीं ताकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम हो। उसमें सबसे पहले जामिया के फाउंडर्स, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, हकीम अजमल ख़ान और मुख्तार अहमद अंसारी जैसे उस वक्त के मुजाहिदीन आज़ादी, जिन लोगों ने अपनी जान और माल देश पर कुर्बान किए, उन लोगों ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए अपनी नौकरियों से, सरकारी नौकरियों से इस्तीफे देकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम करने की कोशिश की। और उसमें जो एक प्रियम्बिल है, जो जामिया के एक्ट की रूह है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क़याम का मकसद है, वो मकसद ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम होने के बाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए इसका क़याम है और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए। ये एक उसका कानूनी रूह है जामिया के क़याम का मकसद। अब हम चलते हैं कि 1962 में जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, तब भी इस मकसद को सामने रखकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया को माइनॉरिटी करेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुहैया कराया था। लेकिन 1988 में जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया बिल 1988 पार्लियामेंट में पेश हुआ और एक्ट बना, उस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास जो माइनॉरिटी करेक्टर था, जिससे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की पसमानदगी को दूर किया जा सकता था, या जामिया एफर्ट करती थी कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाए, वो चीज़ 1988 में हमसे ले ली गई थी। तब से लेकर और 2011 तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो अलुमनाई एसोसिएशन के मेंबरान थे, ओल्ड बॉयज़ के या टीचर एसोसिएशन या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कई वाइस चांसलर भी इस जद्दोजहद में शामिल रहे, लेकिन कई बार हमारे ही बीच के लोग इस कैरेक्टर का, यानी माइनॉरिटी कैरेक्टर का की मुखालफत भी करते थे। लेकिन 1988 के बाद से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के माइनॉरिटी कैरेक्टर की जद्दोजहद में तमाम तलबा शरीक थे, लेकिन कामयाबी हमें UPA 2 के ज़माने में मोहतरमा सोनिया गांधी जी, सलमान खुर्शी साहब, कपिल सिब्बल साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर मिस्टर अंतुले साहब, ए अब्दुल रहमान अंतुले साहब, इन लोगों की कोशिशों के बाद में हमारी इस डिमांड को नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास में मुंतकिल किया गया। वो केस हमने दाखिल किया उसमें और कई सालों तक उस मुकदमे की पैरवी हुई। उसमें हम लोग पेश थे उस कमीशन के सामने अपनी बातों को रखने के लिए। कमीशन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हक़ में ये फ़ैसला दिया था 1911 में के आसपास कहीं, कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया चूंकि पहले दिन से यूनिवर्सिटी है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क़ायम करने वाले लोगों ने पहले दिन से यूनिवर्सिटी बनाई है। मैं आपको बता दूं, 1922 से जामिया मिल्लिया इस्लामिया ग्रेजुएशन की डिग्री दे रही है, जो कि उस वक्त किसी गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन नहीं था जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। और यूरोप के बहुत सारे देश जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ग्रेजुएशन की डिग्री को रिकॉग्नाइज़ करते थे, जिसमें सर फहरिस्त जर्मन और फ्रांस हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब और हमारे फर्स्ट जो हैं ग्रेजुएट जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फर्स्ट बैच के जो थे हरियाणा के गवर्नर साहब अखलाकुर रहमान साहब, तो आप समझिए ये 1922-23 में ग्रेजुएट हुए थे। और कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को इस तरह
का इंस्ट्रक्शन कभी नहीं दिया था। लेकिन 1988 में चूंकि ये हादसा जामिया की बिरादरी के साथ हुआ और माइनॉरिटी करेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से छीन लिया, लेकिन 2011 में बहुत सारी जद्दोजहद के बाद ये करेक्टर हमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन फॉर इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हमें मिला और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो उस वक्त के अहदेदारान थे, जामिया मिलिया के वाइस चांसलर थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के 15,000 स्टूडेंट्स थे, सब ने मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और कमीशन की जो है खैर मकदम किया था और लोगों से कहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो क़याम जो मकसद था वो आज हमने दोबारा से हासिल किया। देखिए जब 1911 में कमीशन ने हमें ये करेक्टर दिया था, उसी के बाद से आरएसएस और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के तकरीबन 5-6 लोगों ने हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी। जामिया से मुतालिक जितनी भी लोग थे उस मुकदमे को लड़ रहे थे, लेकिन हादसा ये हुआ है कि अभी 3-4 रोज़ पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पहले एफिडेविट को वापस लेकर नया एक एफिडेविट दाखिल किया है कोर्ट के सामने, जिसको कोर्ट ने शायद कबूल कर लिया है। अब हमारे सामने जो दरपेश जो प्रॉब्लम है वो ये है, चूंकि ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है इसलिए इस लड़ाई को हमें न सड़क पर लाना चाहिए, न हमें किसी सरकार के या किसी कोर्ट के या किसी फर्द के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी करनी चाहिए। समझने की बात यह है कि लीगल टीम क्यों उसमें एब्सेंट रही, ये सवाल सबके सामने है, इसको वाइस चांसलर से और मौजूदा अथॉरिटी से पूछना चाहिए। और जामिया मिलिया इस्लामिया के बरादरी के लोग, वो चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे नॉन टीचिंग हों, चाहे अलमनाई हों, और जामिया से मुतालिक बहुत सारे वेर विशर्स भी हैं जिनका शायद ताल्लुक जामिया से ना रहा हो लेकिन जामिया के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमें इस हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसकी पैरवी के लिए, सही मानों में पैरवी करनी चाहिए। अगर ज़रूरत हमें इस बात की महसूस होगी कि हम कोई इंटरवेंशन पिटीशन इसमें डाल सकते हैं तो हम सब लोग मिलकर इसमें एक इंटरवेंशन पिटीशन डालेंगे, ताकि अगर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन या दूसरी संस्थाओं से इस मुकदमे में की पैरवी में कोई कोताही हो रही है तो हम लोग वहाँ पर मौजूद रहकर एक इस मुकदमे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से हम इस लड़ाई को कोर्ट के अंदर लड़ेंगे।